हेलो गाइस, दिस इज मुदस्सिर अब्बास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आपको बताता चलूँ, जापान ने 11 ऑफ अक्टूबर से अपना वीज़ा, विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा देना स्टार्ट किया है। सबसे पहले अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो इनके एम्बेसी की जो वेबसाइट है वहाँ जाके आप मेल करेंगे अपने पासपोर्ट और रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। अपॉइंटमेंट के बाद जब उनका मेल आपको रिसीव होगा तो एक नंबर वहाँ नीचे दिया जाएगा, उससे आप कॉल करेंगे, कॉल करके कहेंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अपॉइंटमेंट के बाद जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम है वो सुबह 10 से 12 बजे के बीच में है। 10 बजे के बाद आप जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, अगर बिजनेस है तो बिजनेस रिक्वेस्ट लेटर है, 2 साल का टैक्स रिटर्न जमा करवाना है, होटल बुकिंग है, फ्लाइट रिजर्वेशन है, पासपोर्ट आपका, अगर जितने भी पासपोर्ट हैं प्रीवियस अगर गुम हो गया है तो FIR, तो ये सारी एम्बेसी लेके जाना है, वहाँ सबमिट करवाना है। तो विद इन वीक आपको कॉल आएगी कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट करें। तो ये था छोटा सा, एक छोटी सी अपडेट थी जापान वीज़े के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।